अच्छा हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। हमारे पास कर्व देखी दिया है वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू। अच्छा कह रहा है एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, तो यानी कि वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, अगर वाई जीरो रखेंगे तो हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स माइनस टू माइनस का वन कॉमन एक्स माइनस टू। पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं, पहले एक्स माइनस टू यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू में जीरो। तो एक्स का वैल्यू टू और वन आ जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो पॉइंट होगा यहाँ पर वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एट, दो पॉइंट हो जाएगा, एक हो जाएगा टू जीरो और दूसरा हो जाएगा आपका वन जीरो। इन दोनों पर हमें देखना होगा। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस का थ्री। तो ये डी वाई बाई डी एक्स एट टू जीरो पर क्या होगा, तो टू इंटू में टू माइनस थ्री वन आ जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स वन जीरो पर क्या होगा, तो हो जाएगा टू इंटू वन माइनस थ्री, यानी कि टू माइनस थ्री माइनस का वन। चलिए दोनों के लिए इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट टू जीरो, तो वाई माइनस जीरो इक्वल टू में वन इंटू में ये स्लोप इसका एक्स माइनस का एक्स वन, यानी यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल टू में एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे टू है ना जी, एक्स माइनस टू। ठीक है, चाहो तो आप इसको एक काम कर सकते हो, इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, इसको ही इधर लेकर चले जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, किस पर दूसरा पॉइंट जो दिया था वन जीरो। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट वन जीरो, तो वाई माइनस जीरो इक्वल टू में वन इंटू में एक्स माइनस वन है ना इसका, माइनस वन इंटू में एक्स माइनस का वन, तो वाई इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस का वन। इन दोनों को इधर लाते हैं, तो प्लस का एक्स प्लस का वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये हो रहा और ये हो रहा, ये दोनों हो रहा। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, आपका बी नंबर ना दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।